भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि SCBA के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर कपिल सिब्बल को हमारी ओर से हार्दिक बधाई। हम आपके और कार्य समिति के सदस्यों के सहयोग की आशा करते हैं। CJI द्वारा दी शुभकामनाओं पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया। उन्होंने CJI को धन्यवाद देते हुए कहा, ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि 22 साल बाद मुझे बार की सेवा करने का मौका दिया गया। हमारी ओर से आपको पूरा सहयोग मिलेगा और ये बेंच के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। हम सहयोग के माध्यम से कोर्ट के एजेंडे को आगे ले जा सकेंगे। सिब्बल के अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता आदिश सी अग्रवाल, प्रदीप कुमार राय, प्रिया हिंगोरानी, अधिवक्ता त्रिपुरेरी और नीरज श्रीवास्तव SCBA अध्यक्ष पद की दौड़ में थे। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को हुए चुनाव में सिब्बल को 1000 से ज़्यादा वोट मिले, जबकि राय को 650 से ज़्यादा वोट मिले। ऑबर्न लॉ स्कूल से स्नातक सिब्बल 1989-90 के दौरान भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे। उन्हें 1983 में वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया था। 1995 और 2002 के बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 3 बार SCBA अध्यक्ष पद के रूप में कार्य किया। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर के साथ राज्यसभा के सांसद भी हैं। इसके पहले वो 2003 से लेकर 2022 तक कांग्रेस के सदस्य रहे थे। इस दौरान वो दिल्ली के चांदनी चौक से 2 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने 2022 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो निर्दलीय सपा के समर्थन में राज्यसभा गए। कपिल सिब्बल के निजी जीवन को देखें तो उन्होंने 2 शादी की। पहली उन्होंने नीना से, जिनका देहांत 2003 में ब्लड कैंसर की वजह से हो गया, और दूसरी शादी उन्होंने 2005 में पूर्णिमा सिब्बल से की है।